जो हालात जिस तरह से बनते हैं कि इस चीज में निजी स्वार्थ नहीं आने चाहिए कि उसको मारना है उसको काटना है तो उसकी टिकट मत लेने दो। ये तो आप पार्टी का नुकसान कर रहे हो ना, पार्टी का नुकसान अगर होगा तो सबका नुकसान है। और वही काम अगर यही काम अगर यूं ही चलते रहे तो आने वाले समय में भी यही नतीजे निकलेंगे कि जो एमएलए पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने ही हलके से हार रहे हैं, अपने ही बूथ से हार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये है कि छवि उनकी इस तरह की थी कि लोगों ने उनको नकार दिया। अपने ही हलके के अंदर जो है अगर हार जाए तो फिर तो रह क्या गया। तो शाम की बात करते हैं तो शाम अभी यूँ कह रहे हैं तो शाम ने मुझे हरा दिया। ये नहीं देखते कि भाई जब श्रुति ने इलेक्शन लड़ा था, श्रुति ने 3 बार इलेक्शन लड़ा था पार्लियामेंट का और तीनों बार उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है महेंद्रगढ़ वहां से श्रुति की जमानत जब्त करवा के भेजी तीनों बार। हमने तो फिर भी श्रुति जो जितने वोटों से हारी थी उसका बहुत मेकअप करा, बहुत कम वोटों से हार के निकले। तो इनको तो जो है वो कहते हैं अच्छा होता अगर ये आरोप ना लगाते किसी पे, क्योंकि आरोप लगाने वाले जो है उसको समझ आना चाहिए कि बहुत सारा मसाला हमारे पास है। वो अगर मैं खोलूंगी तो फिर पता नहीं कहाँ तक दूर तक बात और जाएगी। सच्चाई ये है कि अपने गरिबान में खुद झांको पहले और फिर बात करो दूसरी। अपने गरिबान में झांकने के लायक नहीं हो और अपने सरगनाओं के को खाली खुश करने के लिए आप ये काम कर रहे हो तो ये चलने वाली बात नहीं। शैलजा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारी सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है उन्होंने बहुत बड़े बड़े पदभार संभाले हैं और आप जानते हो कि हमारे प्रदेश की अध्यक्षा भी रही हैं। तो वो जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर सही तरीके से वितरण होता टिकटों का तो जो है एक सीट तो हमारी खैर उसके गई अलायंस में गई आम आदमी के, वो भी जीतते पर 9 की 9 तो आनी थी अगर सही तरीके से दी जाती। अब आप ये देखो यहाँ से ये टिकट हमारी काट श्रुति की काट दी गई जब सर्वे के अंदर जो पार्टी का सर्वे था उसमें ये तो रिकॉर्ड की बात है उसके अंदर श्रुति 56% पे थी और राव दान सिंह जी जो हैं वो थे 32%। कोई झुठला नहीं सकता इस बात। तो जो है आपने देखा किस तरह से जो है हालात बने और दुर्भाग्य की तो बात ये है कि जो टिकट जो दिलवाने वाले थे उन्होंने ये कह के दिलवाई थी कि भाई ये 100% जीतेंगे हम गारंटी लेते हैं और हुआ क्या सामने नजर आ गया कि पूरा जो है वो 4 हलके उधर के हैं नांगल चौधरी नारनौल अटेली और महेंद्रगढ़ जो इनका खुद का एमएलए साहब का जो खुद का इलाका है वहां पे इतनी पूरी तरह से हार के निकले। हमने तो यहाँ से उनको जिता के ही भेजा है। अब वो बार बार तोहमत मेरे ऊपर लगा रहे हैं तो शाम के ऊपर लगा रहे हैं तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगी कि तो शाम की जनता के ऊपर तोहमत मत लगाओ। जो है सब लोगों ने अपना अपना काम करा है और जो भी मत जो है लोगों का है उसको अच्छी तरह से स्वीकारना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि सिर माथे के ऊपर, क्योंकि जनता जो है वो सर्वोपरि होगी। शैलजा जी मैं तो शैलजा जी के साथ हूँ 100% और जो है पूरी तरह से जो है मेरे दिलो जान से ये चाहत है कि वो बने और प्रदेश को आगे लेकर चले, मैं तो यही चाहूंगी। और दूसरी बात ये है कि ये मुख्यमंत्री रोज बन के सोते हैं जो, और वैसे कांग्रेस का जो है सफाया करने पे तुले रहते हैं कि कांग्रेस को अंदर अंदर से काटो, अंदर अंदर से हाथ मिला लो, ये काम सारे के सारे हो रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ेगी पार्टी? भैया पार्टी तो आगे इस तरह से नहीं बढ़ेगी। देखो मैं तो इस बात को ये कहूंगी कि तीसरी बार 240 लेकर आ रहे हैं। हम भी ये बात हम भी लेकर आ सकते थे, समझ रहे हो ना? तो ये तो अपने आप में स्पष्ट नजर आ रहा है क्या हो रहा है। और तीसरी बार पहले मतलब ये रिकॉर्ड तो नेहरू जी का ही था, अब सामने नजर आ रहा है भैया क्या होने वाला है। जो हालात हैं अगर इस तरह के से ही चलते रहे जो है ये सारा सिलसिला जो है कि जो है अपने अपनों का लिए करो और दूसरों को बिल्कुल ही नष्ट कर दो, खत्म कर दो,
तो फिर तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? सच्ची बात है या नहीं बताओ? सबको लेकर आप अगर चलने के सक्षम हो तो आगे बढ़ सकते हो। राजनीति के अंदर कोई एक आदमी अगर ये सोचे कि मैं और मेरा बेटा, ये बात नहीं बनती। लोगों के अंदर जो है ये बात आनी चाहिए कि सबको लेकर आप आगे चलोगे, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। सक्षम नेता जो हैं उनको आप साथ लेकर आप चलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो कांग्रेस का फिर वही हाल होगा जो ये पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा।